शेषर सत्यर है जय दीर्घ 30 घंटार आमरण अनशन में बसापर अनशन भांगी विषोईर युथ मार्च मयूरभंज जिला अंतर्गत विषोई ब्लक में आमरण अनशन और हंगर स्ट्राइक विषोई युथ मार्च देवव्रत सिंह रामकुमार सोरेन सुशांत कुमार महांती सहित विषोई ब्लक को लगी प्रत्येक ग्रामर ग्रामवासी योगदान करते विषोई ब्लक छक जातीय राजपथ उपर एक गला पोल आवश्यकता रही बेले एनएचआई कर्तृपक्ष से गला पोल ओवरब्रिज निर्माण न कर जनसाधारण बहु समस्या सम्मुखीन होते गत 24 तारीख दिन विषोई ब्लक युथ मार्च आमरण अनशन में बसते ब्लक छक जातीय राजपथ को लगिकी ट्रेजरी अफिस् बालिका उच्च विद्यालय शिशु मंदिर विषोई उच्च विद्यालय तहसिल कार्यालय समेत ब्लक अंचल समस्त मुख्य अफिस् अवस्थित आईआईसी अवस्थित डाक्तरी दल आसी अनशनकारी स्वास्थ्य परीक्षा करते यहसब को केन्द्रको पूर्व विषोई ग्रामवासी बृंद रास्ता अवरोध करते रास्ता अवरोध शुणी निजे मयूरभंज लोकसभा सांसद मान्यवर विश्वेश्वर टुडु घटनास्थल में पहुंची लोक बुझाई थे 2020 मसीह जानुरी मस सुधा गला पोल काम आरंभ करने प्रतिश्रुति देते कितु प्रतिश्रुति ही रही जाता आज दीर्घ 30 घंटार आमरण अनशन मध्य सारसगणा विधायक किंवा मयूरभंज सांसद कहारी देखा मिल ना तेरे बहु बाधाविघ्न पर समस्या समाधान हो गतकाली 12:30 समय विषोई तहसिलदार चंद्रशेखर घरई एनएचआई अथॉरिटी इंजीनियर कपिल प्रसाद विषोई थाना भारप्राप्त अधिकारी शैलेन्द्र भूषण नायक वीडियो फिरोज खान बुझासुझा करने सहित तीन मास पर ओवरब्रिज कार्य आरंभ करेंगे बोली प्रतिश्रुति देवापर आमरण अनशन उठते मु धन्यवाद जनईबी आम विषोई समस्त को जीए ओवरब्रिज पे जीए भी सपोर्ट दे आम माधव भाई रे बाबू भाई रे आते सब आम भाई मैंने समस्ते अच्छा आउ समस्ते मीडिया वाला समस्ते सपोर्ट कले कि अति दुखर विषय आम जहाँ को भोट देखूँ से दीज एवं जाए जहाँ की धरा चुना तहसिलदार सार आम एनएचआई से दीज लिखित आकार गले जे कार्य दिमास रु तीन मस भार्य आरंभ हो व्यक्तिगत भाव में नुह यह सांगठनिक भाव में आम जो गड़ा पुल ओवरब्रिज पर जो आमर डिमांड थिला तारी आम एटी अमरण अनशन जो पाने बसी जो समय एवं स्वास्थ्यगत समस्या चिंता करी प्रशासन तरफ तहसिलदार एवं एनएचर पदाधिकारी तथा आपणकर ये एलएनटी रो कर्मचारी समस्त उपस्थित आम सी मैंने तहसिलदार लिखित अनुसार दुई रु तीन मास मध्य सीए लैंड हस्तांतर कलापर डिपार्टमेंट को एलएनटी को लैंड हस्तांतर कलापर एनएच को लैंड हस्तांतर कलापर से 10 दिन भितर काम आरंभ कर दृढ़ प्रतिश्रुति देवु आम्भे आज ये आम अमरण अनशन जो बसी युवक मैंने से अढ़ई मस आम स्थगित या रखाला और एनएचआई तरफ से जो है लैंड एक्विजिशन और रिमूवल स्ट्रक्चर सब के लिए जो उनके पास जो है इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएगा तो तहसीलदार साहब उसको जो है प्रोसेस करेंगे और मैं ये कॉन्फिडेंस में ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे लैंड हमारा क्लियरेंस हो जाएगा तो विद इन 10 डेज जो है ना हम सर्विस रोड और ये ट्रैफिक मूवमेंट के लिए काम स्टार्ट कर देंगे। सर्विस रोड ड्रेन तो रहेगा ही तो सारा जो है अप्रूवल एनएचआई ने दे दिया है और हम लोग उसी कार्य के तरह आगे बढ़ रहे हैं। तहसीलदार में लैंड अप्रूवल की बात नहीं है, लैंड साइट में क्लियर होना काम के लिए। अच्छा, हमको क्लियरेंस मीन्स हमारा मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर को तो हम तभी दे सकते हैं जब पूरा क्लियर हो जाएगा लैंड। ऐसे जितना जैसे इलेक्ट्रिक पोल हुआ, कोई स्ट्रक्चर आएगा, कोई ट्री है, वो सब जो है क्लियर हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट द वर्क। उसमें जो है एनएचआई तरफ से जो है कोई इशू नहीं है। तेब एटी प्रश्न उठे स्थानीय विधायक बुढ़ान मुर्मू और सांसद विशेश्वर टुडु देखा प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति रहीगला। मयूरभंज सुनील कुमार महापात्र रिपोर्ट न्यूज 11 ओडिशा।